वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं बच्चों? अच्छे से पढ़ रहे हैं ना आप सब? अब सुनिए ध्यान से, मैंने लास्ट लेक्चर में बच्चा सिक्स टर्म्स डिस्कस की थी। फर्स्ट बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, फिर प्रीपेड एक्सपेंस, फिर एक और टर्म डिस्कस की थी डेप्रिसिएशन, फिर उसके बाद मैंने आपको बताई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आज जो मैं करा रही हूँ उस इलस्ट्रेशन को करने से पहले आपने लेक्चर 18 और 19 पहले देखने हैं, देन फिर उसके बाद जो मैं आज इलस्ट्रेशन करा रही हूँ उसको सॉल्व करना है। तो मैंने जो टू लेक्चर्स लास्ट डिस्कस किए उसके बेस पे आज हम इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, 15 इलस्ट्रेशन। ठीक है, अपनी बुक में देख लेना जो भी सीक्वेंस है। मेरे पास जो हाथ में जो बुक है उसके अंदर इलस्ट्रेशन 15 है बच्चा, देखना ध्यान से। फर्स्ट इलस्ट्रेशन उसमें क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम। ठीक है, आपके पास बच्चे यहाँ पे टर्म्स दी हुई है बुक में, मैं देखती हूँ कौन सी टर्म दी हुई है। रिसीव रुपीज 20,000 फ्रॉम सुभाष, रिसीव रुपीज 20,000 फ्रॉम सुभाष। किससे रिसीव किए हैं बच्चे? सुभाष से रिसीव किए हैं। लेकिन आगे लाइन आ रही है विच वर रिटन ऑफ एज बैड डेट्स इन प्रीवियस ईयर। ठीक है, आपके पास बच्चे नेक्स्ट ये वाली टर्म आ रही है हमारे पास, फर्स्ट टर्म इलस्ट्रेशन 15 है मेरे हाथ में जो बुक है। रिसीव 20,000 फ्रॉम सुभाष, किससे रिसीव किए हैं? सुभाष से। अगर सिर्फ यहां तक मेरी ट्रांजेक्शन होती तो मेरे पास आ क्या रहा होता? कैश। तो डेबिट वर्ड कम से आने वाली चीज डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। किसने दिया है आपको कैश? आपके डेटर ने। ठीक है, क्रेडिट ऑल द गिवर, आपके डेटर का नाम क्या है? सुभाष। तो टू सुभाष आ जाता बच्चे। लेकिन इस टाइम आपके पास जो गिवन है बच्चे वो क्या है? रिसीव 20,000 फ्रॉम सुभाष, सुभाष से रिसीव हुए हैं, विच वर रिटन ऑफ। रिटन ऑफ मतलब जिसके अकाउंट को आपने खत्म कर दिया था, विच वर रिटन ऑफ, जिसके अकाउंट को आपने खत्म कर दिया था एज बैड डेट्स। क्या मान के खत्म कर दिया था? बैड डेट्स मान के खत्म कर दिया था इन प्रीवियस ईयर। मतलब सुभाष जो आपके डेटर था वो लास्ट ईयर आपने लॉस मान के, बैड डेट्स मान के उसके अकाउंट को खत्म कर दिया था, राइट ऑफ कर दिया था। वो पैसे आपको सुभाष से रिसीव हो रहे हैं। तो कौन से पैसे रिसीव हो रहे हैं बच्चे? बैड हुए पैसे, जो प्रीवियस ईयर में बैड हो गए थे। तो आपको मैंने बताया था बैड हुए पैसे जो रिसीव होते हैं वो आपके इनकम होती है, और इनकम ऑलवेज बी क्रेडिटेड, और उस इनकम का नाम हम रखते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ना कि सुभाष वर्ड यूज करेंगे। तो आपकी एंट्री बनेगी बच्चे यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है बच्चे, मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर होगी होगी, क्योंकि लैंग्वेज थी सुभाष से रिसीव किए, लेकिन सुभाष कौन है? विच वर रिटन ऑफ, जिसको हमने खत्म कर दिया था एज बैड डेट्स। क्या मान के खत्म कर दिया था? बैड डेट्स इन प्रीवियस ईयर। तो इसका अकाउंट तो क्लोज हो चुका था, तो इसका नाम तो हम यूज कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गई। मैंने जो सिक्स बताई थी बच्चे, एक एक करके आपकी सारी ट्रांजेक्शन आएंगी जितनी मैंने सिक्स की सिक्स आपको बताई थी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है बच्चे सेकेंड, सैलरी ड्यू टू क्लर्क्स रुपीज, सैलरी ड्यू टू क्लर्क्स रुपीज 50,000। आप बच्चे बताओ, सैलरी पेड नहीं कह रहा, सैलरी ड्यू, ड्यू दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ओ ऑब्लिक एस करके। ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, आपको ध्यान होगा मैंने लास्ट लेक्चर में टर्म्स डिस्कस की थी सिक्स, तो सेकंड टर्म डिस्कस की थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।
तो मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का बताया था, एक्सपेंसेस येट टू बी पेड, ऐसे खर्चे जो अभी पे होने बाकी हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू करंट ईयर बट नॉट पेड, तो ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी तक पे नहीं हुए। तो सैलरी ड्यू मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग टू क्लर्क, मतलब सैलरी वर्क क्लर्क को अभी देनी बाकी है, बाकी है तो मतलब ये क्या बन गई आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंस इसी साल का ही होता है, और मैंने कहा था आपके सारे एक्सपेंसेस इस साल के डेबिट होते हैं वेदर पेड और नॉट। ठीक है, तो आप मुझे बताओ सैलरी पे करना बिजनेस के लिए क्या है एक्सपेंस, ये एक्सपेंस इसी साल का है इसलिए डेबिट होगा, लेकिन ये अभी तक पे नहीं हुआ तो हमने ये पैसे वर्कर को अभी पे करने हैं, बिजनेस में पे करने हैं, तो बिजनेस की क्या इंक्रीज हो जाएगी लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट, इंक्रीज पे क्रेडिट, तो एट दिस टाइम द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज इंक्रीजिंग, बिजनेस की क्या इंक्रीज हो रही है लायबिलिटी, और इस लायबिलिटी का नाम हम रखते हैं बच्चे आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, सैलरी पे हो जाती तो टू कैश आ जाता, लेकिन सैलरी पेड नहीं लिखा हुआ, सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब ऐसी सैलरी, सैलरी येट टू बी पेड, ऐसी सैलरी जो अभी पे होनी बाकी है। तो ये एंट्री किस बेस पे बनी, सैलरी पे करना मेरे लिए एक्सपेंस, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड, लेकिन ये अभी पे नहीं हुई, पे नहीं हुई तो बिजनेस की क्या इंक्रीज हो गई लायबिलिटी, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज पे क्रेडिट, और इस लायबिलिटी को नाम क्या दोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो सैलरी के साथ जो आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज होता है वो लायबिलिटी को क्रिएट करता है, मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी दैट मींस लायबिलिटी नॉट एक्सपेंस, खाली सैलरी एक्सपेंस है लेकिन ये पे नहीं हुई तो मेरी क्या इंक्रीज हो गई लायबिलिटी। तो आपको पता है हम कौन से सिस्टम से जनरल एंट्रीज कर रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम, दैट मींस एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट। ठीक है, तो देखना एक बार ध्यान से, ये हो गई हमारी। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है आउट ऑफ रेंट, थर्ड ट्रांजेक्शन बच्चे आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर, आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर रुपीज 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। ठीक है, आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर, इस साल जो हमने रेंट पे किया था, आउट ऑफ मतलब उसमें से 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। आपको ध्यान होगा जब मैंने प्रीपेड एक्सपेंस का टॉपिक कराया था तो मैंने आपको दो लैंग्वेज बताई थी, रेंट पेड इन एडवांस और एक ये वाली लैंग्वेज। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखना, पहले तभी कह रही हूं इन सिक्स एंट्रीज को करने से पहले मेरे वो लेक्चर जहां पे मैंने समझाई है ये चीजें, उन लेक्चर्स को अच्छे से देख लेना। अब ध्यान से देखना, आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर, इस साल जो रेंट पे किया था अब पे नहीं करना, मतलब जो रेंट आपने पे किया था, मतलब आपकी एंट्री हुई होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, जो रेंट पे किया था आप पे नहीं कर रहे, इस साल जो रेंट पे किया था उसमें से 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, कौन से ईयर के हैं, नेक्स्ट ईयर के हैं। और आपको मैंने बताया जो एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं वो सिर्फ करंट ईयर के हैं, करंट ईयर के ही डेबिट होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 10,000 जो पे हुए हैं वो एडवांस पे हो चुके हैं, एडवांस पे करना मतलब प्री पेड इन एडवांस, मतलब प्री पेड रेंट। और मैंने आपको बताया था नेक्स्ट ईयर के लिए पे करना, ठीक है, वो मेरी असेट होती है, हम एक्सपेंसेस सिर्फ इसी साल के डेबिट करते हैं, नेक्स्ट ईयर के डेबिट नहीं करते। तो प्रीपेड रेंट जो डेबिट होता है वो एक्सपेंस के बेस पे नहीं होता, असेट के बेस पे होता है। ठीक है, तो प्रीपेड रेंट डेबिट 10,000, क्योंकि एडवांस पे करना मेरी असेट है, लेकिन ये एडवांस रेंट मैं इस टाइम पे नहीं कर रही, वो कह रहा है इस साल जो ये रीएंट्री करनी नहीं है हो चुकी है, इस साल जो आपने रेंट पे किया था, मान लो कितना में पे किया था, लाख पे किया था, 2,00,000 पे करने के बाद आपको पता लग रहा है कि 10,000 नेक्स्ट ईयर के हैं, तो अब नेक्स्ट ईयर की एंट्री उस टाइम तो नहीं की गई थी, पूरा रेंट की कर दी गई थी, लेकिन खर्चे जो डेबिट होते हैं वो सिर्फ करंट ईयर के डेबिट होते हैं। इसका मतलब जब रेंट पे हुआ था तो फालतू खर्चा डेबिट हो गया था, तो
तो खर्चे सिर्फ करंट ईयर के डेबिट होते हैं, फालतू डेबिट नहीं होते। तो कितना एडवांस खर्चा फालतू डेबिट हो गया, 10 फालतू डेबिट हो गया, तो डिक्रीज करने पे क्या कर देते हैं क्रेडिट, तो 2 रेंट आ जाएगा। कैश तब आता है जब आपके पास ट्रांजेक्शन होती रेंट पेड इन एडवांस, ठीक है। तो ये एंट्री बनी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। रेंट क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि रेंट जो डेबिट पे हो चुका था वो फालतू डेबिट हो गया था। एक्सपेंसेस सिर्फ करंट ईयर के डेबिट होते हैं, फालतू डेबिट नहीं होते। तो एक्सपेंसेस इसमें 10,000 का फालतू डेबिट हुआ है नेक्स्ट ईयर का, वो उसको मैंने डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट कर दिया। किसी भी चीज को अगर डिक्रीज करना हो उसके रिवर्स ले जाओ, आपकी एंट्री पूरी हो जाती है, ठीक है। तो आपकी एंट्री बनी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखना, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है प्रोवाइड फॉर ट्रांजेक्शन। जैसे जैसे मैंने आपको टॉपिक कराया है वैसे वैसे ही हमारी ट्रांजेक्शन आ रही है, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीस, फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीस 50,000। आपको मैंने डेप्रिसिएशन का मीनिंग बताया था, रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ असेट, ठीक है। असेट की वैल्यू को क्या करना, रिड्यूस करना। तो प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे कितना डेप्रिसिएशन लगाओ 10%, मतलब फर्नीचर की वैल्यू को 10% से कम करो। और फर्नीचर की कॉस्ट कितनी दी हुई है 50, ठीक है। तो 50 फर्नीचर की कॉस्ट है, इसको 10% रिड्यूस करना है। तो ये वर्ड यूज नहीं कहता कि रिड्यूस करो, वो कहता है डेप्रिसिएशन लगाओ, ठीक है। डेप्रिसिएशन का ऑटोमेटिकली अपना मीनिंग जो होता है वो रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ असेट होता है, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया इसके मीनिंग में, ठीक है। तो फर्नीचर को कितने से कम करना है 5, तो बताओ फर्नीचर की वैल्यू कम होना मेरे लिए लॉस है, एंड लॉस ऑलवेज बी डेबिटेड, और इस लॉस का नाम रखते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। और बताओ फर्नीचर की वैल्यू, फर्नीचर का कौन सा बैलेंस होता है डेबिट, क्योंकि फर्नीचर बिजनेस की असेट, असेट का बैलेंस डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट, लेकिन इस टाइम फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है तो डिक्रीज पे क्रेडिट, तो 2 फर्नीचर। तो किसी भी असेट पे डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री ये हो, नरेशन लिख देना चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। किसी भी असेट पे आपसे ये डेप्रिसिएशन लगवा सकता है, मतलब डेप्रिसिएशन लगाने का मतलब रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ दैट असेट, उस असेट की वैल्यू को उतने परसेंट कम कर दो जितनी आपको वो रेट बता रहा है। तो इसकी एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ये लॉस है और असेट की वैल्यू को कम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखना बच्चे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू रुपीज 10 लाख। हाँ जी, आपको मैंने बताया था कि बिजनेस में ऑनर कैपिटल लगाता है, कैपिटल को भी बिजनेस लायबिलिटी मान के चलता है कि कभी ना कभी ऑनर की कैपिटल को वापस करना है। जब तक बिजनेस इस ऑनर की कैपिटल को वापस नहीं करता, बिजनेस इसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देता है, क्या देता है इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट बिजनेस किसको देता है, ऑनर को, उसकी कैपिटल पे। तो बताओ प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट देना है 12% और अमाउंटेड टू रुपीज 10 लाख, कैपिटल की अमाउंट कितनी है 10 लाख, तो 10 लाख पर बच्चे 12%, ठीक है। ये आ गया बच्चे 120, ये इंटरेस्ट बिजनेस किसको दे रहा है, ऑनर को। इंटरेस्ट देना बिजनेस के लिए एक्सपेंस,
आर एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। आपको मैंने जब इसका टॉपिक बताया था, मैंने कहा था कि हम ऑनर को जब बिजनेस इंटरेस्ट देता है वो कैश नहीं देता, वो ऑनर के कैपिटल अकाउंट में डालता है। कैपिटल अकाउंट में अगर इंटरेस्ट डलेगा तो कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज, इंक्रीज पे क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है इंक्रीज पे क्रेडिट। ठीक है, तो टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जैसे बैंक हमारा इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में डालता है, तो बिजनेस में भी जब इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट देना बिजनेस के लिए एक्सपेंस, लेकिन कैश नहीं देते ऑनर को इंटरेस्ट, उसके कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। कैपिटल अकाउंट में पैसे डलेंगे तो ऑनर की कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज पे क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट हुई है। तो एंट्री बनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू अफेक्ट, आउट ऑफ दीज टू अफेक्ट वन अफेक्ट विल बी डेबिटेड, अनदर अफेक्ट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, देखना लास्ट ट्रांजेक्शन चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, लास्ट ट्रांजेक्शन है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रुपीज 8000। आपको पता है ऑनर जो पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकालता है उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स, और वो टेम्परेरी ड्रॉइंग होती है। जब ऑनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है, बिजनेस उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देता है। अगर ऑनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकालता है, तो अगर ऑनर ने वो निकाले जो हैं, ये नहीं कि उसे वो बिजनेस को वापस नहीं करने, वो टेम्परेरी विड्रॉइंग होती है, टेम्परेरी निकालता है। जब तक वो पैसे बिजनेस को वापस नहीं कर देता, बिजनेस उस ड्रॉइंग पर उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है। इंटरेस्ट चार्ज करता है मतलब इंटरेस्ट लेता है। तो अब ये ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट बिजनेस को मिलता है तो ये बिजनेस की क्या हुई, इनकम, एंड इनकम ऑलवेज बी क्रेडिटेड। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट बिजनेस को मिलता है, इनकम ऑलवेज बी क्रेडिटेड। लेकिन ध्यान रखना, जिस तरह से बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, हमारे घर से कैश नहीं मंगाता, हमारे अकाउंट में डालता है। अगर बैंक ने हमसे कुछ चार्ज करना होता है तो हमारे घर से कैश नहीं मंगाता, हमारे अकाउंट से काटता है। उसी तरह से बिजनेस ने भी जब हमसे ये इंटरेस्ट लेना होता है ऑनर से, कैश नहीं मंगाता, हमारे अकाउंट से ही काटता है। ठीक है, अकाउंट से काटते हैं तो कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज, डिक्रीज पे डेबिट। आप 12th क्लास में या कैपिटल को ही डेबिट करोगे, लेकिन अभी कैपिटल को डेबिट नहीं किया गया, ड्रॉइंग्स वर्ड ही यूज किया गया है। किस लिए यूज किया है ड्रॉइंग, ये वर्ड जो यहाँ पे यूज किया गया है, ये इसलिए किया गया है कि ऑनर ने जो बिजनेस से पैसे लिए हैं, उसने ये चीज सर्विस ली है बिजनेस से, डेबिट ऑल द रिसीवर, क्योंकि ड्रॉइंग्स इज अ पर्सनल अकाउंट, वो एक पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, उसने ये जो ड्रॉइंग के पैसे लिए हैं, ठीक है, तो उसने ये जो रिसीव किए हैं, उसने ये बिजनेस से एक तरह से सर्विस ली है, मतलब ऑटोमेटिकली ये कैपिटल को ही डिक्रीज करती है। आप 12th क्लास में जाओगे या आपको कैपिटल ही डेबिट मिलेगी, लेकिन अभी कैपिटल को डेबिट नहीं करते, ड्रॉइंग्स वर्ड यूज करते हैं, उसका लॉजिक सर्विस से रिलेटेड है। क्लियर है बच्चे? तो आप ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस की इनकम है, और डेबिट क्या होगा, ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नरेशन एक सिंगल लाइन में यही लिख देना आप यहाँ पे जो लिखी हुई है। ठीक है, तो मेरी ख्याल से मैंने 6 टर्म्स से रिलेटेड आपको पूरी इलस्ट्रेशन समझा दी है। ठीक है, बैड डेट्स रिकवर, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्री पेड एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और एक डेप्रिसिएशन। ठीक है, पूरे पहले इस इलस्ट्रेशन को करने से पहले लेक्चर 18-19 अच्छे से समझना, मैंने जो बेस क्लियर किया है सारे लेक्चर में, फिर उसके बाद ही स्टार्ट करना। ठीक है बच्चे।